तीन बहुओं की मूंछ वाली सास। अरे शर्म करो, तुमसे अच्छी तो मेरी छोटी बहू चांदनी चांदनी निकली। तुमसे कम पढ़ी लिखी है ये, फिर भी उसने मेरी मदद की और तुम पढ़ी लिखी गवार हो। वैसे बोलने की क्या जरूरत है, तुम्हें खुद ब खुद शर्म आ ही रही होगी। तुमसे छोटी है पर कई गुना ज्यादा तुमसे प्यार और इस घर को अपना समझती है। तुम्हें तो बस दांत फाड़ कर की करने से मतलब है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। जी माँ जी, हम दोनों बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। माँ जी मान जाइए, गलती तो इंसानों से ही होती है। देख लिया मेरी बहू का बड़प्पन, तुम्हें माफ करने को कह रही है, पर तुमने तो इससे हमेशा काम करवाया। आखिर एक सास अपनी दो बहुओं के इतना खिलाफ क्यों थी और बड़ी बहू के लिए इतना मीठा क्यों था? आखिर उसकी दोनों बड़ी बहू ने ऐसा क्या किया था, ये जानने के लिए आपको कहानी के शुरुआती भाग को जानना होगा। कुछ समय पहले सुनीता अपने दो बड़े बहू बेटे और अपने पति प्रकाश के साथ रहती थी। सुनीता वैसे ठीक तो थी पर उसकी मूछें आया करती थी। एक दिन वो जब सुबह सुबह उठती है तो शीशे में जाकर अपनी शक्ल देखते हुए बड़ी जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसे अपनी मूछ काफी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे मैं तो पूरी मर्द लग रही हूँ। सब लोग ना जाने मुझे इस हालत में देखकर मर्द वाली या मूछ वाली औरत ना बोले। ये तो शिवम के पापा से भी ज्यादा बड़ी मूछ हो गई। बाप रे बाप, क्या करूं? ऐसा कर देती हूँ, काट देती हूँ। तभी सुनीता कैंची लेकर अपनी लंबी लंबी मूछ काट देती है। चलो शुक्र है, अब किसी को मेरी इन मूछों के बारे में पता नहीं चलेगा। सुनीता इतना बोलती ही है कि उसका अलार्म जोर से बजता है और वो उठकर बोलती है। अरे लगता है मैं सपना देख रही थी, मेरी तो कोई बड़ी मूछ नहीं है, शुक्र है भगवान का, पर छोटी छोटी मूछ तो है ना। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, शिवम के पापा उठे उससे पहले मैं अपनी मूछों को हटा लेती हूँ। इतने महीनों से मैंने ये बात छुपा रखी है। ये बोलते ही सुनीता बाथरूम में जाकर मूछें हटा देती है और जल्दबाजी में आधी मूछ के साथ ही अपनी बहुओं के सामने आकर कहती है, अरे बहू पूजा कर ली तूने? हाँ माँ जी कर ली। ओहो माँ जी, आज आप ऐसे ही हमारे सामने आ गए। अरे माँ जी, इतनी भी क्या जल्दी थी हमें ऑर्डर देने की कि आप आधी मूछों में ही हमारे सामने प्रकट हो गई। क्या मतलब? तभी घबराकर सास सुनीता अपनी पूंछों को छूकर मन में कहती है, अरे बाप रे बाप, ये मुझसे क्या हो गया, मैं तो अपनी बहू के सामने यूं ही आ गई आज। माँ जी घबराइए मत, यही सोच रही है ना कि हमें आपकी मूंछों के बारे में पता चल गया, पर एक महीने से हम आपकी मूंछों के बारे में जानते हैं। इसका मतलब तुम पहले से ही जानती थी? हाँ माँ जी, हम दोनों क्या, बाहर मोहल्ले के लोग भी आपकी मूंछों के बारे में जानते हैं। इसका मतलब जब भी मैं बाहर जाती थी तो वो इसी बात पर मुझे देखकर हंसते थे और मुझे बताते भी नहीं थे। हाँ माँ जी, और आज ही आप जल्दबाजी में आधी मूछें लिए हम दोनों के पास आ गई। मैं जानती हूँ घर की बात बाहर करके तुम दोनों को बहुत मजा आता है, और तुम दोनों ने ही मेरी बात उन्हें बताई। तुम दोनों ने शर्म से मेरी आंखें झुका दी हैं। माँ जी अब ये हम कैसे कर सकते हैं, और वैसे भी मूछें आपकी आती हैं, हमारी थोड़ी। तुम दोनों से मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये बोलकर वो अपने मुंह छुपाए बाथरूम में जाकर फिर से आधी मूछ को साफ करने लगती है। तभी उसका पति प्रकाश उसे ऐसे देखकर भौचक्का रह जाता है और कहता है, सुनीता ये सब क्या है, तुम्हारी मूछें कहीं तुम मर्द तो नहीं हो? हे भगवान, ये मैंने किससे शादी कर ली? अजी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं मूछ, अजी मुझे नहीं पता, कुछ महीनों से मेरी मूछें आने लग गई थी तो इसीलिए। इसका मतलब जब मैं पागलों की तरह ढूंढता रहता था तो ये तुम्हारे पास ही होता था? जी एक मिनट, लेकिन आपकी तो मूछें आती ही नहीं है, तो फिर आप क्या करते थे? वो अपनी अपनी बगल साफ करता था। आए हाय जी जी, पहले नहीं बता सकते थे, इसे मैं अभी तक अपनी मूछों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तभी घिन के मारे सुनीता और उस रेजर को ऐसे फेंक देती है। वक्त बीतता है, घर के सारे सदस्य सास की मूछों के बारे में जानते थे, उसकी हल्की हल्की मूछें अक्सर दिखाई देती थीं। वहीं पड़ोस की औरतें भी उससे बोलती थीं, अरे ओ मेरी प्यारी सहेली मूछ वाली, वैसे तूने अपने पति को फेल कर दिया, उनकी तो मूछें आती ही नहीं क्योंकि सारी मूछें तुझे ही आती है। अरे तेरी बहू तो दोगली निकली, अपनी सास का राज भी ना छुपा सकी। मेरे ही कर्म फूट गए थे जो मैं ऐसी बहू लाई,
लेकिन अपने छोटे बेटे शिवम की शादी इतने धूमधाम से कराऊंगी और बहू भी प्यारी से लेकर आऊंगी। और रही बात मेरी मूछों की, तो तुम्हें जो बोलना है बोल लो। हाँ, मैं हूँ एक मूछ वाली सास। सुनीता अपनी पड़ोसन रजनी को ताने का तमाचा मारकर चली जाती है और कुछ ही दिन में अपने छोटे बेटे के लिए एक संस्कारी सर्व गुण संपन्न बहू चांदनी नाम की प्यारी लड़की से शादी करा देती है। कुछ ही दिन में आकर वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है और सबका ख्याल रखती है। धीरे धीरे वो भी अपनी सास की मूछ वाली बात को भांप जाती है। एक दिन टीवी पर कुछ नहीं आ रहा था तो रिमोट फेंक कर सुनीता बोलती है, एक तो ससुर का नाती टीवी नहीं चल रहा, बार बार केबल से हिल जाता है। अरे नू बहू, अरे ओ ज्योति बहू, जरा आकर टीवी तो ठीक कर, दोनों की दोनों निकम्मी बहू हैं। तभी चांदनी झाड़ू लगाते हुए उस कमरे की ओर जाती है जहाँ सुनीता परेशान थी और वो पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, मुझे बताइए। अरे तुझे क्या बताऊं बहू, तू तो काम कर रही है ना। मैं उन दोनों कर्मजल्लियों को बुला रही थी लेकिन एक नहीं सुनती। माँ जी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ आप अपने मूछों से परेशान हैं जो 2-3 दिन में फिर से उग जाती हैं और आपको हटानी पड़ती हैं। पर बहू तुझे कैसे पता चल गया? मैंने बड़ी दीदियों को बात करते हुए सुन लिया था, वो हंस रही थी, मैंने उन्हें समझाया भी। ज्योति, हमारी सास कितनी अजीब है ना यार, उनके साथ तो मार्केट जाने में भी मुझे शर्म आती है, ऐसा लगता है कि हम किसी औरत नहीं तीसरी मर्द के साथ मार्केट जा रहे हैं। हाँ दीदी बिल्कुल। दीदी आप दोनों ये क्या कह रही हैं? आपको माजी के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्या पता वह किसी परेशानी में हो और आप उनका इस तरह मजाक उड़ा रही हैं और बाहर भी बता रही हैं। एक्सक्यूज मी चांदनी जी, आप इस घर की नई बहू हैं इसलिए आपको हम दोनों की बातों में दखल देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ तुम अपने काम से मतलब रखो, हमारी बातें सुनकर जज करने की जरूरत नहीं है। जी दीदी। बहू तुम उनकी बात का बुरा मत मानना, वो दोनों है ही बदतमीज। माँ जी आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, जरूरी ये कोई बीमारी है क्योंकि आमतौर पर ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। ठीक है बहू। ये कहकर चांदनी अपनी सास को डॉक्टर के पास ले जाती है जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताते हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक बीमारी होती है, कुछ टाइम आप दवाई लेंगी तो ठीक हो जाएगी। क्या है ना कि कभी कभी महिलाओं में हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं जिससे उन्हें PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर जैसी बीमारी हो जाती है और ये ज्यादातर बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल की वजह से होती है। मतलब चिंता वाली कोई बात नहीं, मैं तो खामखा ही डर रही थी। हाँ माँ जी अब आप ठीक हो जाएंगे और आपको और आपका कोई मजाक भी नहीं उड़ा पाएगा। आपकी बहू बहुत समझदार है, बस दवाइयों को खाते रहिए। शुक्रिया डॉक्टर। चांदनी तुम माँ जी को अपने साथ कहाँ लेकर गई थी और ऐसे काम बीच में क्यों छोड़ दिया? काम से बचने के 100 तरीके हैं तुम पर। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं बस बहाने मारना शुरू, बस बहुत हुआ। खबरदार जो मेरी छोटी बहू को कुछ बोला भी, तुमसे ज्यादा समझदार है, इसे मेरी तकलीफ दिख गई, लेकिन तुम दोनों को नहीं गंवार कहेंगी, तुम्हारे पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं। शर्म तो आती नहीं है अपनी सास की इज्जत खुद 4 लोगों के आगे उछाल दी। अरे ये मुझे अभी डॉक्टर के पास ले गई थी, उसने बताया कि मुझे PCOD की वजह से मूछें आ रही थी। बहुत खरी खोटी सुनाने के बाद सुनीता की दोनों नाच पीटी बहुओं को अकल आती है और वो माफी मांगती है। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम जानते नहीं थे। जी माँ जी हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। अरे तुम शर्मिंदा हो या गोविंदा हो या प्रभु देवा हो, मुझे क्या, तुमने तो दिखा दी अपनी असलियत। तभी दोनों उसके पैर पकड़कर रोते हुए माफी मांगती हैं। माँ जी अब से हमेशा हम कुछ नहीं करेंगे, माँ जी अब से हमेशा कुछ भी नहीं करेंगे। माँ जी दीदियों को प्लीज माफ कर दीजिए, अब से वो ठीक से रहेंगी। देखा मेरी बहू का बड़प्पन, पर अपनी बहू के कहने पर तुम्हें माफ कर रही हूँ। इस तरह दोनों बहू सुधर जाती हैं और सुनीता भी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। 3 अत्याचारी बहू की बूढ़ी सास। शारदा के घर बहुतेरी औरतों का जमावाड़ा लगा है। आखिरकार शारदा 3 बहुओं की सास जो बनी है। दुल्हन के लिबास में दहलीज पर खड़ी अपनी 3 बहुओं का स्वागत करते हुए शारदा कहती है, काया कीर्ति और काम्या आओ बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से घर के भीतर उडेल कर गृह प्रवेश करो। तीनों बहू गृह प्रवेश करके सोफे पर चुप्पी साध कर बैठ जाती हैं, जहां गांव की औरतें बारी बारी दुल्हन का मुंह देखती हैं और झुमरी शारदा की तीनों बहुओं का बखान करते हुए बोलती है, 100% सच बोला थे शारदा भौजाई, तुम्हारे 3 बिटवा के भाग्य बड़े बलवान हैं।
चांद जैसन चमचमत महेरिया मिल गई है इको। औरी तोहरा भाग भी बड़ा बलवान है, हीरे जैसन सुंदर बहुरिया से आंगन अंजोर हो गायल तोहर। अरे झुमरी, मेरी बहू की सुंदरता का बखान करके कहीं टोक मत लगा दियो इनको। थोड़ी ही देर में सभी औरतें अपने घरों की ओर चली जाती हैं, जिसके बाद बहुएं उठकर अपने कमरे का रास्ता पकड़ लेती हैं। ये तीनों बहुओं को क्या हो गया, बिना कुछ कहे बोले चली गई। लगता है शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई है बेचारी। शादी की सवेर ही शारदा के तीनों बेटे काम के सिलसिले से शहर चले जाते हैं। हमेशा की तरह शारदा अगले दिन सुबह सवेरे उठ जाती है और घर को निहारते हुए कहती है, तीन बहू के रहते अब तक रसोई घर बेजान बेरंग पड़ा है, शायद तेरी तीनों बहुरानियां उठी नहीं शारदा। एकाएक शारदा की तीनों बहुएं सीढ़ियों से उतरती हुई सोफे पर आ बैठती हैं। शारदा के सामने फरमाइश करते हुए वो कहती हैं, अरे ओ सासुमा, जल्दी से मेरे लिए लिप्टन ग्रीन टी बनाकर लाओ, उसके बाद मुझे जॉगिंग पर जाना है। सासुमा, मेरे लिए ओनली ब्लैक कॉफी बहुत है, मेरे लिए कैपेचिनो ले आना माँ जी। अपनी तीनों बहुओं के शहरी स्वर सुनकर भोली भाली शारदा स्तब्ध रह जाती है। अरे अब बुत बनी खड़ी क्यों हो, बहरी हो क्या, सुना नहीं तुम्हारी बहुओं ने तुम्हें कुछ बनाने को बोला है ना। शारदा बिना जवाब दिए रसोई घर का रुख करती है। कुछ ही देर में वो उनकी फरमाइश पूरी करती है। तभी एकाएक तीन बहुएं उसे खूब सारी खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे ओ गवार बुढ़िया, ये कैसी गंदी कलीच कॉफी बनाई है, यख क्या पचीनो का भी चीनी कम वाला हाल है, ये देहाती होते ही अतरंगी है। बस कर बहू, मैं तुम तीनों को बतौर बिहागर बहू बनाकर इसीलिए नहीं लाई कि मैं अपनी बहुओं की बाई बनकर उनकी जी हुजूरी करूं। बेवकूफ बढ़िया, शायद तू जानती नहीं हमारे चुटकी बजाते ही बहुत कुछ बदल सकता है, या तो चुपचाप अपनी बहुओं की बाई बनकर रहे, या फिर हम तीनों तेरे तीन अनमोल रत्नों को अपने साथ लेकर शहर चली जाएंगी। बस एक फोन कॉल करते ही तेरे तीनों बेटे हमारे लिए भागे भागे चले आएंगे और हम उन्हें ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे कि तेरी वो एक नहीं सुनेंगे, फिर सारी जिंदगी मक्खियां मारती रहना। अपनी तीनों बहुओं की बतौर बड़ी साजिश सुनकर बेचारी बूढ़ी सास शारदा हैरत अंगेज हो जाती है और घुटनों पर बैठ कर बिलकते हुए बोलती है, अरे नहीं बहू, मुझ बेबस बुढ़िया पर ऐसा गजब न करना, तुम तीनों जो कहोगी मैं वो करूँगी। तो फिर अपने तीनों सपूतों की सौगंध खाकर कहे। मैं अपने बेटों की कसम खाकर कहती हूँ कि ये बात केवल मुझ बुढ़िया और तुम तीनों बहुओं के बीच ही रहेगी। शाबाश। शारदा के मन में बेटों से दूर होने का ख्याल इस कदर बड़ा खौफ बनकर उभर आता है कि वो बेचारी अपनी बहुओं की बाई बन जाती है। ये कहानी है समयपुरा गाँव में रहने वाली शारदा की, जिसका सालों से सास बनने का सपना था और उसकी बहुएं उसकी बड़ी सेवा करें, मगर नियति ने तो पासा ही उलट पलट कर दिया और संस्कारी बहुओं की बजाय बदकिस्मती से उसके घर तीन अत्याचारी बहुओं के कदम पड़ गए। समय गुजरता गया। अरे ओ बुढ़िया, हम तीनों बहुएं शॉपिंग करने जा रही हैं। हमारे आने तक अगर घर चकाचक चमकता नहीं दिखा तो तेरी बूढ़ी बेजान चमड़ी को उधेड़ने में हम बहुएं जरा भी नहीं हिचकेंगी। ठीक है बहू। बेचारी बूढ़ी शारदा बहुओं के जाने के बाद काम करते हुए बिलक कर कहती है, ये कैसी बेबसी है, अपने बेटों से दूरी साधने के चलते अपने ही घर में मैं बुढ़िया औरत बतौर बाई बनकर काम करने को मजबूर हो गई हूँ। ऐसी बेपरवाह बहुओं की सास बनना श्राप से बढ़कर है, काश कि मेरे तीनों बेटे यहाँ होते। थोड़ी देर बाद शारदा की तीनों बहुएं शॉपिंग बैग्स के साथ सोफे पर आकर पसर जाती हैं। उफ यार, मेरे पाँव में बहुत तेज पेन हो रहा है। अरे ओ मेरी बुढ़िया, वहाँ दूर क्या बैठ कर रही है, चल यहाँ आकर मेरे पैर दबा। शारदा कीर्ति के पाँव दबाने लगती है। तभी कीर्ति बुरा बेबाक मुंह बनाकर इस कदर शारदा को झड़पती है कि वो कुछ दूर जा गिरती है। आह मेरा हाथ माँ। अरे बंद कर ये बेबुनियादी नौटंकी, खाने को तो 10 जनों की खुराक अकेले खत्म कर जाए, जान बूझ कर बेजान बेमन तौर से पाँव दबा रही थी मेरे। बहू मुझ बुढ़िया के बेजान हाथों में तुम्हारे जितना जोर नहीं। ये सुनकर दूसरी बहू बेरहमी से बेचारी बूढ़ी शारदा की बाल पकड़ कर बोलती है, देखो तो जरा पैर दबाने के लिए जान नहीं बुढ़िया में, मगर पटर पटर बोलने के लिए गज भर की जुबान बिना थके चली जा रही है। आ बहू, अपनी बूढ़ी बेबस सास पर तरस खाओ, आ मेरे बाल छोड़ दो।
गुजरते समय के साथ बिचारी बूढ़ी शारदा पर तीनों बहुओं की जोर ज्यादती बढ़ती चली जाती है। कभी वो जानबूझकर उसके कामों में नुक्स निकालती, तो कभी सारा दिन उसे खाना पकवाती, तो कभी अपनी सेवा बाड़ी कराती। बेहिसाब कामकाज के चलते बिचारी बूढ़ी शारदा का शरीर साथ छोड़ चुका था। बीमारी के बिस्तर ने उसे अपनी जकड़न में ले लिया। उसी बीच तीनों बहुओं के माता पिता उनके ससुराल आ धमकते हैं। कीर्ति, काया, काम्या, कहाँ हो तीनों? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। शारदा धीमे कदमों से बाहर आकर करहाती हुई कहती है, अरे कौन है भाई? अरे संधि जी आप? अरे समधन जी, आप इतनी कमजोर कैसे हुई और आपका चेहरा क्यों कुमला गया? इससे पहले कि शारदा कुछ बोल पाती, वो बेहोश हो जाती है। ब्रज फौरन डॉक्टर को बुलाता है। अरे डॉक्टर साहब, सब गनीमत तो है ना, देखिए इनकी सेहत बिल्कुल स्टेबल नहीं है। इस बढ़ते बुढ़ापे में भूख मारकर बेहिसाब श्रम करने की वजह से इनका शरीर पूर्णतया थक चुका है, इसलिए इन्हें बीमारी ने अपने चपेटे में ले लिया है। उसी पलछिन शारदा बेहोशी से बाहर आकर रोते बिलखते हुए ब्रिज से सारी वारदात साझा करती है। तभी ब्रिज की तीनों बेटियां वहां दस्तक देती हैं। डैडी, आप यहां? मत कहो मुझे अपना डैडी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटियां अपनी सास पर इस कदर कहर ढाएंगी। अरे क्या खोट रह गई थी इस पिता की परवरिश में। जिस सास ने तुम तीनों बहू से अपने बेटे को साझा किया, तुमने उसी सास पर सैकड़ों सितम सताव बरसाए। अरे कुछ नहीं तो अपनी बूढ़ी सास की उम्र का तो लिहाज रखती। पिता की फटकार तीनों बहुओं को बेतहाशा शर्मसार कर देती है। तीनों बहुएं रोते बिलखते हुए शारदा के पाँव में गिरते हुए बोलती हैं, सासू माँ, हमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, मगर हो सके तो अपनी बेबाक बहुओं को माफ कर दीजिए। हाँ सासू माँ, हमें एक मौका दे दीजिए ताकि हम अपनी भूल को सुधार सकें। माँ जी, हम बहुओं ने आपके ऊपर सैकड़ों अत्याचार किए हैं, आप हमको जो भी कहना चाहे दुराचारी अहंकारी कह दीजिए, मगर हमें माफ कर दीजिए, वरना पिताजी हम बहुओं से नाता तोड़ देंगे। बस करो बहुओं, मैं तुम्हें ऐसे रोते बिलखते देख नहीं सकती। अरे बहुए ससुराल की लक्ष्मी होती है, वो ससुराल की बहार बनकर आती है। तुम्हें दुखी देखकर मेरा कलेजा कचोट रहा है, आओ अपनी सास के गले लग जाओ। शारदा बीती बातों को भुलाकर अपनी बहुओं को माफ कर देती है। उमा की बात सुनकर वे सभी रसोई में जाकर काम करना शुरू कर देती हैं और आपस में बात करने। उमा की बात सुनकर वे सभी रसोई में जाकर काम करना। अरे बहुओ, कहाँ हो तुम तीनों? अरे अभी तक घर के काम नहीं करे तुमने? अरे माँ जी, क्या हुआ? हम तीनों यही तो हैं। हाँ माँ जी, कोई बात है क्या जो इतनी तेज तेज चिल्ला रही हो? अरे तुम तीनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है, इसीलिए तुम्हारी निगरानी करने के लिए मुझे हर बार तुम्हें आवाज लगाकर पूछना पड़ता है। अब ये बताओ वो तीसरी कहाँ है? अरे मैं यहाँ हूँ माँ जी। ये लो जी, कर लो बात, अब ये नींद में सोती हुई यहाँ आ गई। अरे माँ जी, मैं नींद में नहीं सो रही हूँ, मैं सिर्फ टेस्ट कर रही हूँ कि मैं नींद में सोने के बाद भी मुझे सब कुछ कैसे दिखाई देता है। तुम तीनों चमत्कारी बहुओं की वजह से मेरा तो जीना ही हराम हो गया है। माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी तीन बहू है और तीनों चमत्कारी है। हाँ हाँ, तीनों चमत्कारी हैं और तीनों के ही काम उल्टे हैं। एक नींद में सब कुछ देख लेती है, दूसरी जितना मेरे घर में राशन है उससे ज्यादा खा जाती है, और जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वो दूसरों के घर में जाकर भी खाती है। तीसरी तो लोगों की चुगली सुनती है और यहाँ से वहाँ बातें बताती है। अब मैं ऐसी अनोखी बहुओं का क्या करूँ? संतोष अपनी तीनों बहुओं को जली कटी सुनाती है, जिसके बाद उसकी तीनों बहू मायूस होकर घर के काम में लग जाती है। आखिर इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हम तीनों चमत्कारी हैं, तो माँ जी को तो खुश होना चाहिए ना। अरे खुश होने की बात करती हो, उन्हें तो ये दुख होता है कि हम तीनों के अंदर ये अलग अलग से चमत्कारी शक्तियाँ क्यों हैं? जो भी हो, हमें अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो तीनों अपने घर के कामों में लग जाती हैं।
जिसके बाद वो तीनों अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। बहुत तेज नींद आ रही है, थोड़ी देर आराम से सो लूं। अलीशा जैसे ही सोती है उसे एक सपना आने लगता है। सपने में कोई उसके पड़ोस के घर में सिलेंडर चोरी कर रहा होता है, जिसके बाद वो अचानक से नींद में चलने लगती है और अपने पड़ोस के घर में पहुंच जाती है। जो वो सपने में देख रही होती है वो हकीकत में वहां हो रहा होता है। जैसे ही चोर उसे देखते हैं वो उसे देखकर कहते हैं, ओहो ये क्या, ये लड़की आंखें बंद करके कैसी चल रही है? मुझे नहीं पता, कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। अरे ये तो नींद में चल रही है, इसे छोड़ और जल्दी से सिलेंडर उठा और यहां से निकल। वो दोनों सिलेंडर उठाकर वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी अलीशा उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। अरे कहां बचकर जा रहे हो मुझसे? तुम्हें नहीं पता कि मेरी बंद आंखों से भी कोई नहीं बच सकता? अलीशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे देखो इन चोरों को, और कुछ नहीं मिला तो घर का सिलेंडर ही चोरी करने लगे भाई। अरे शर्म के मारे डूब मरो बे। हे भगवान, आज अगर संतोष की बहू ना होती तो पता नहीं मेरे घर से ये चोर क्या क्या नहीं चोरी करके ले जाते। हरिया तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उन दोनों चोरों को गिरफ्तार करवा देता है, जिसके बाद वो अलीशा को शाबाशी देता है। अरे बेटी अधौन्य भाग हो हमारा जो तुम इस गांव में रहने आई हो, और सबसे ज्यादा भाग्य तो तुम्हारा सास ससुर का है जिसने तुम्हें पाया है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, आगे भी इस गांव में चोरी होगी तो मैं उन्हें जरूर पकड़वाऊंगी, चिंता मत कीजिए आप, इस गांव में कोई भी चोरी नहीं कर सकता। जब भी कहीं चोरी होती है तो अलीशा चोर को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी चमत्कारी शक्ति थी कि वो नींद में सोते हुए भी चोरी होने वाली जगह का दृश्य और चोरों की शक्ल देख लेती। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी ने खाना खा कर बेचारी संतोष का राशन ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से से नंदिनी को कहता है, अरे करम जली करम फूटी, तूने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। अरे कहां से लाती है इतना बड़ा पेट, ऊपर से तेरा पेट तो जरा भी टस से मस नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, आखिर जाता कहां है इतना सारा खाना? अरे माँ जी, आप तो हमेशा मेरे खाने के पीछे ही मुझे टोकती रहती हो, और कुछ दिखाई नहीं देता है क्या आपको? अरे क्यों दिखाई देगा, जब देखो तू ठूसती रहती है। संतोष ऐसा कह रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, आओ 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 खाने की इस चुनौती को जीत कर जाओ, जो भी 100 समोसे खाएगा उसे 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, आओ आओ आओ। ये सुनते ही नंदिनी के मुंह से पानी आ जाता है और वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी आप मुझे राशन का ताना दे रही थी, आप देखो मैं इस कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद इतना सारा पैसा लेकर आऊंगी कि आपको कभी राशन की कमी ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर वो उस आदमी के पास जाती है और अपना नाम लिखवा देती है। भाई साहब इस चुनौती में आप मेरा भी नाम लिख दीजिए। वो आदमी नंदिनी का नाम लिख लेता है, जिसके बाद नंदिनी के साथ साथ 10 औरतें और इस कंपटीशन में खड़ी होती है। देखते ही देखते उन सभी के सामने समोसे परोसे जाते हैं, लेकिन इतनी सारी औरतों के होने के बाद भी औरतें समोसे नहीं खा पाती। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी एक के बाद एक समोसा खाती जाती है, देखते ही देखते बहुत सारा खा लेती है और 100 समोसे खा जाती है। अरे वाह क्या बात है, आज लगा है जैसे मैंने कुछ खाया है। नंदिनी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसके चलते उसे पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम मिलता है। इनाम जीतने के बाद नंदिनी सारा का सारा पैसा लाकर अपने ससुर संतोष को पकड़ा देती है और कहती है, ये लीजिए माँ जी पूरे 1,00,000 है, अब आपको कभी भी राशन डलवाने में दिक्कत नहीं होगी, मैं ऐसे ही कंपटीशन जीत जीत कर आपको पैसे लाकर दे दिया करूंगी। ये देखकर संतोष बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, अरे वाह बहू आज तो तूने कमाल ही कर दिया है, मैं तो तुझे निकम्मी समझती थी लेकिन तू तो बड़ी ही काम की निकली।
उस दिन के बाद से संतोष अपनी बहू नंदिनी और अलीशा से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन दोनों की चमत्कारी शक्तियों ने कुछ अच्छा काम किया था। अभी तक सारिका की चमत्कारी शक्ति से तो बस बेचारी संतोष को सुनने को ही मिलता रहता था। अरे संतोष, अपनी बहू को समझा ले, जब देखो यहाँ की चुगली वहाँ करती रहती है। अरे कब तक ऐसा चलता रहेगा, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ हाँ, कल भी उसने हमारी चुगली दूसरे मोहल्ले की औरतों से जाकर कर दी थी। हम उसके बारे में कुछ कह ही रहे थे और तुम्हारी बहू ने वो सब सुन लिया था। देखो तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वो घर लौट आती है, जिसके बाद वो अपनी बहू को बुलाती है और उससे गुस्से में कहती है, कितनी बार समझाया है कि लोगों की चुगली यहाँ से वहाँ मत किया करो, अरे आज भी औरतों ने मुझे तुम्हारे चलते कितना सुनाया है। अरे माँ जी, वो सभी औरतें उन बेचारी गरीब बेसहारा लोगों की चुगलियाँ कर रही थी, जिनका तो कोई कसूर भी नहीं था, आखिर वो ऐसा क्यों करती है। अरे बहू, तुझे क्यों दुनिया से लेना देना है, तू अपने आप से मतलब नहीं रख सकती है क्या। तभी सारिका को कुछ सुनाई पड़ता है। देखो मैं किसी तरह सबकी बस्तियों के पेपर साइन करवा लूंगा, लेकिन इसमें मुझे आधा प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है, अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, लेकिन याद रहे अगर तुम पकड़े गए तो तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है। ये सुनने के बाद सारिका अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मैंने अभी फिर से कुछ ना कुछ सुना है, कुछ बहुत गलत होने वाला है, कुछ लोग हम गांव वालों की बस्ती खाली करवाना चाहते हैं और सारी जमीन हड़पना चाहते हैं। संतोष ये सुनकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद सारिका उन लोगों को ढूंढने के लिए उनकी आवाज का पीछा करती है। देखते ही देखते वो उन लोगों के पास पहुंच जाती है और उन दोनों के हाथ से पेपर छीन लेती है। देखो माँ जी, मैं सच बोल रही थी, ये लोग चालबाजी खेलकर हम गांव वालों को फंसाना चाहते थे और सारी जमीन हड़पना चाहते थे। सारिका और संतोष गांव के सभी लोगों को उन लोगों की सच्चाई बताते हैं, जिसे जानने के बाद गांव के सभी लोग उन दोनों को बहुत मारते हैं और गांव से भगा देते हैं, जिसके बाद संतोष अपनी बहू सारिका से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे बारे में कितना बुरा भला कह रही थी, आज तेरी इस चमत्कारी शक्ति की वजह से हमारे गांव पर आने वाली बहुत बड़ी विपदा थम गई है, आज अगर तू ना होती तो पता नहीं हम सभी का क्या होता। अरे माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे ही मैं सब की जुबानी इधर से उधर करती रहूंगी। गांव के सभी लोग सारिका की बात पर हंसने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ संतोष को अपनी तीनों चमत्कारी बहुओं पर गर्व होने लगता है। अब उसकी तीनों बहू गांव वालों की मदद करती है और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहती है। बीमार गाय को ठीक करने वाली सास बहू। अरे क्या हुआ धनिया, ये गौरी राधा इतने जोरों शोरों से पगुराई क्यों कर रही है, इनको दाना नहीं दिया क्या। अरे पता नहीं जी, चारा भी कप का बना करके दे दिया, मगर मजाल है जो मुई इन मुदई गाय ने अब तक चारे में मुंह भी मारा हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आज ये अटपटा सा बर्ताव क्यों कर रही है। सांझ की बेला हो चली है, सभी के सभी दूध लेने आते ही होंगे, मगर ये थन को हाथ भी नहीं लगाने से रही। अभी धनिया ये कह रही थी कि शीला और सुधा दूध का बर्तन लिए वहाँ दस्तक देती है। धनिया मौसी, जल्दी से दूध दे दो। अरे शीला की बहू दूध तो दे देती, मगर राधा और गौरी भरसक मुझे दूध दुहने ही नहीं दे रही, इन गायों की प्रजाति मेरी तो समझ से परे है। आप हटिए, मैं देखती हूँ। सुधा आगे बढ़कर गायों की जांच पड़ताल करने लगती है, वह गायों की पूंछ से लेकर उसके पंजों और सींगों को भली भांति चेक करती है। सर से पांव तक तो ये गाय एकदम स्वस्थ और सुबल है, फिर यह दूध देने में आना कानी क्यों कर रही है। अरे सुधा बहू,
परे हट, जरा मुझे जांचने दे। शीला हरिया की गाय गौरी के सींगों को सहलाती है, तभी गौरी करहाती हुई अपने जुबान के जबड़े खोल देती है। गाय के जुबान पर लाल रंग के गहरे चकत्ते पड़े होते हैं। क्यों री हरिया, एक पशुपालक होकर भी इतना खास खबर नहीं है क्या कि महीने में एक दफा माल जाल के शरीर को सफा कर दूं? गौरी और राधा के जीप पर चकत्ते हो गए, इसलिए ये चारा नहीं चर पा रही। जा जाकर हाट बाजार से पोटाश खरीद कर ला, उसे इनकी जुबान को साफ करना होगा। अगर इनकी जुबान ठीक नहीं होगी तो ये दाना पानी नहीं खाएंगी, और बगैर पेट में दाना पानी पड़े ये बेजुबान गौ माता भला किस बलबूते पर दूध देंगी। हरिया बाजार से जाकर शीला के सुझाए हुए दवाई को लेकर आता है। हरिया की गाय सहजता पूर्व शीला से दवाई लगवाती है। शीला भौजाई, मेरी दोनों गाय भली चंगी तो हो जाएंगी ना, कहे कि इनके बलबूते दोनों दंपत्ति का पेट पालता है, इनके बगैर हमारा दूजा चलन सार नहीं है। अरे धीरज धर हरिया, सवेरे तक तेरी दोनों गाय एकदम टनाटन हो जाएंगी। अगली सवेरे जब दोनों सास बहू हरिया के घर पधारती हैं, तो दोनों दंपत्ति गौशाला के दो छोर में बंधी गाय राधा और गौरी का दूध दूह रहे होते हैं। अरे शीला भौजाई, तुमने तो 100% सच कहा था, मेरी दोनों गाय तो एकदम स्वस्थ हो गई। शीला भौजाई, आपको तो जानवरों का उपचारक होना चाहिए था। वैसे शीला बहन, तुमने जो कभी गाय का लालन पालन भी नहीं किया, बावजूद इसके तुम इन बेजुबान जानवरों की बोली भाषा कैसे जान जाती हो? क्योंकि ब्याह से पहले बलिहार में मेरे बाबूजी गांव भर के गाय का उपचार इलाज करते थे, बस उन्हीं के गुण हैं। ये लो शीला भौजाई, तुमने मेरी गायों को जीवन दान दिया है, ये थोड़े बहुत पैसे हैं, इसे रख लो। अरे हरिया, ये चंद पैसे देकर तू मेरी बहू के सामने मुझ सास को शर्मसार कर रहा है। मैं पैसे के लिए बेजुबान जानवरों की जान नहीं बचाती, बल्कि पुण्य के लिए ये करती हूँ। माँ अन्नपूर्णा की दया से मेरे घर में भंडार भरे हुए हैं, और मेरा बेटा बब्बन भी शहर में बतौर एक डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाता है। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद हरिया की गाय राधा एक बछिया को जन्म देती है। बछिया को थोड़ा बहुत बड़ा हो जाने के बाद हरिया कहता है, अरे धनिया, हमारी गाय राधा की बछिया बड़ी हो चुकी है, मैं इसे गायों के मवेशी मलखान को सौंपने जा रहा हूँ। हरिया अपनी बछिया को हांकते हुए दूसरे गांव की ओर अग्रसर होता है। कुछ ही देर में वह मलखान के पास पहुंचता है। अरे क्या बात है मवेशी मलखान, तू इतना हताश क्यों है? पता नहीं हरिया, मेरी सभी गाय दिन प्रतिदिन एकदम कुम्हलाती और कमजोर पड़ती जा रही है। कई सारे पशु उपचारक से जाँच पड़ताल कर ली, बावजूद इसके इनके सेहत में सुधार नहीं कर पा रहा। अरे एक बार मुझे तो खबर करता, मेरे गांव में एक सास बहू का जोड़ा है जो मुफ्त में गाय को चंगा भला करती हैं। क्षण भर के भीतर वो गाय के रोग को जड़ से पकड़ लेती हैं। मैं कल उन्हें लेकर आऊंगा। हरिया सास बहू से ये बात साझा करता है, जिसके साथ अगले दिन सूरज की लालिमा के साथ सास बहू मवेशी मलखान के पास आती है। मलखान भाई, आपकी गाय को छूत ही बीमारी लगी है। बोलचाल की भाषा ने ये संक्रामक रोग है, जो बीमार गाय के जुबान से गिरे लार से एक गाय से दूजे के भीतर प्रवेश पाती है। फौरन ही इन सभी गाय के गौशाला को साफ सुथरा करना होगा, और इन्हें अलग अलग श्रेणी में बंधना होगा, तभी ये स्वस्थ हो सकेंगी। और इन्हें रूखा सूखा चारा ना देकर उनके चारे में खली दाना देना होगा। मलखान सास बहू के सुझाए अनुसार ही अपनी मरियल गाय को देखरेख करता है। सप्ताह भर के बाद सास बहू गाय की सेहत की खास खबर जानने की आतुरता में दौड़ के लिए वहाँ आती हैं। अब कैसी है तुम्हारी गाय? अरे बहन जी, आप दोनों सास बहू की तरकीब तो एकदम सोने के समान साबित हुई। मेरी सभी गाय 2 दिन के भीतर ही तंदुरुस्त हो गई। अगर आप दोनों समय से ना आती तो मेरी सारी गाय एकाएक खाक हो जाती और मुझे अथा घाटा सहना पड़ता। बिना सीख के आप दोनों बेजुबान जानवरों की तकलीफ भी समझ लेती हैं। ये तारीफ काबिल और ताज्जुब की बात है। धीरे धीरे दोनों सास बहू गाय के उपचारक के नाम से गांव-गांव पहचानी जाने लगी। कभी कोई मदद मांगने उनके द्वार पर आता तो कभी कोई। एक दिन खेमू नाम का एक गाय पालने वाला व्यक्ति सास बहू से मदद की मांग करता है। मेरी मदद कीजिए,
जाने मेरी सारी गायों को क्या हो गया है जो वो कोलाहल करती रहती हैं। अरे मेरे साथ चलिए। दोनों सास बहू फौरन खेमू के साथ निकल पड़ती हैं। कुछ ही देर में वह खेमू के घर आती हैं, जहां खटाल में खूंटो बंधी सभी गाय करहाते हुए कोलाहल कर रही थी। ना जाने मेरी बेजुबान जानवरों पर किसकी बुरी बला पड़ गई है जो पिछले 3 रोज से ऐसे ही कराते हुए कोलाहल कर रही हैं। अचानक से चिकित्सक सास बहू की तेज निगाह गायों के शरीर के फरों में चिपके कीड़े पर जाती है। अरे इन गायों के सारे शरीर पर तो किलनी के कीड़े ने जकड़न पैदा कर दी है। क्या इन दिनों गायों के खाने की खुराक घट रही है? हाँ बिल्कुल, बस सारा दिन छटपटाती रहती है। भाई जी, फौरन ही नीम की पत्तियों और गुनगुने पानी का प्रबंध करो, क्योंकि इन गायों के शरीर पर चिपके कीड़े नीम की पत्तियों के पानी से ही मरेंगे, तभी इन रोगी गाय को राहत मिलेगी। खेमू झटपट से नीम की बारियों को तोड़कर उन्हें गुनगुने पानी में गर्म करता है, जिसके बाद चिकित्सक सास बहू फौरन फेटा बांधकर गायों को भली भांति नहलाती धुलाती है। फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर बाद तुम्हारी गाय एकदम राहत पा जाएंगी। ताज होते होते खेमू की सभी गाय भली चंगी होकर अपने पैरों पर अडिग खड़ी हो जाती हैं। खेमू सास बहू का धन्यवाद करते हुए, आज के जमाने में जहाँ इंसान इंसानों की भाषा भी नहीं पहचान पाता, वहीं आप दोनों सास बहू बेजुबान जानवरों की बोली भाप जाती हैं। ये गाय के प्रति आपके लगाव को बखूबी दर्शाता है। शुक्रिया भाई, मगर हम दोनों सास बहू ये पैसों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के जीवन के बचाव के लिए करती हैं। इस तरह दोनों सास बहू आगे भी मरियल गायों को भला चंगा करती थी। इस सेवा के बदले वह कोई मोल नहीं लेती थी बल्कि मुफ्त में ही गाय की जान बचाती थी। सास बहू की इस निस्वार्थ सेवा के लिए सारे गांव में उनकी सराहना होती थी। जहां एक और परिवार के सदस्य अपनों की परेशानी के पीछे का कारण भी नहीं जान पाते, वह सास बहू बेजुबान गाय की तमाम तकलीफों को झट से भांप कर इनका इलाज उपचार किया करती थी, जो उनके अनूठे इंसानियत को दर्शाता है। तीन जादुई सोने की लंबी मूछ वाले भाई। किशनगढ़ गांव का मुखिया था लखपत सिंह, जिसने संपूर्ण गाँव पर अजीबो गरीब परंपरा का प्रचलन किया हुआ था। गांव के मैदान में लोगों की भीड़ है, जहां गांव का मुखिया लखपत कहता है, इन तीनों भाइयों को तो जनानियों में जन्म लेना चाहिए था। अरे जिनकी मूछ ही नहीं वो काहे के मर्द? फिर जिसकी मूछें होती है वो धनी होता है, मूछों के ना होने से ही भिखारी है। मुखिया जी, ऐसा किसी ग्रंथ में तो नहीं लिखा। एक पुरुष के बल और संपत्ति का उसके मूछों से क्या लेना देना? जैसे औरत की शोभा साड़ी से, वैसे ही मर्दों की शोभा मूछ और दाढ़ी से होती है। बरखुरदार, मर्दों की लंबी मूछें होनी रईसी का प्रतीक है, मुझे ही देख लो। मूछें न होने के कारण गांव के मुखिया और लोग उनकी खूब खिल्ली उड़ाते हैं, जिसे देखकर तीनों भाई दुखी होकर घर चले आते हैं, जहां उनका पिता सतेंद्र कहता है, न जाने किस मनहूस घड़ी में तुम तीन कपूत मेरे नसीब में पड़ गए। तुम्हारी मूछें न होने की वजह से गांव के लोगों में मेरा सिर नीचा हो गया है। पिता के मुंह से कड़वी ताने भरी बात सुनकर तीनों भाई हताश होकर एक साथ खेत पर काम करने चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद सुबह की हल्की धूप दोपहर की ज्वालामुखी की उबलती गर्मी में बदल जाती है। दोपहर की तपती गर्मी से खुद को बचाने के लिए तीनों एक घने पेड़ के नीचे आकर बैठ कर बातें करते हुए कहते हैं, पुरुष कहलाने के लिए मूछों का होना ही सब कुछ है क्या? मूछों की कमी ने हम तीनों भाइयों को पूरे गांव के सामने शर्मिंदा करके रख दिया। एक मूछों की कमी के कारण हम तीनों भाइयों की शादी हो ही नहीं पा रही है, ना हम पिताजी को फूटी आंख भा पाते हैं। काश कि हमारी भी मूछें होती। तीनों भाई मूछों के न होने से बेहद हताश निराश हो चुके थे, जिस कारण उनकी आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं और पेड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के झोंके से तीनों को आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो तीनों के चेहरे पर लंबी काली मूछें नजर आती हैं। फिर तीनों भाई खुश होकर एक दूसरे से कहते हैं, यह तो चमत्कार हो गया, अचानक हम तीनों भाइयों के चेहरे पर लंबी काली मूछें कहां से आ गई? अब औरों की तरह हमारी भी मूछें हैं। पर यह हुआ कैसे? रघुवीर के कहते ही सुंदर सी औरत की आत्मा पेड़ से बाहर निकल कर उनसे कहती है, तुम्हारी मूछें मेरी वजह से आई है। तुम कौन हो? मेरा नाम मायावी है, मैं जादुई औरत हूँ। क्या हमारी मूछों का आविष्कार तुमने किया है? हाँ, पिछले 25 वर्षों से मैं इस पेड़ में कैद थी, पर आज मैं इस वृक्ष से मुक्त हो चुकी हूँ। पर आखिर कैसे? जब तुम तीनों भाई निराश होकर
अपनी मूंछों को लेकर चर्चा कर रहे थे, मैं इस पेड़ के अंदर से सब कुछ सुन पा रही थी। इतने सालों में वैसे तो यहाँ कितने ही मानव आए, पर आज तुम तीनों के अश्रु जैसे ही पेड़ की जड़ में पड़ते हैं, मेरी आत्मा मुक्त हो गई, क्योंकि तुम तीनों नेक दिल वाले भले इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये मूछें दी हैं। ये मूछें साधारण से कई गुना शक्तिशाली हैं। जब भी तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो अपनी मूछों को हिलाना, और जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी मूछें जरूरत से एकदम लंबी सोने की होकर दोनों हिस्सों से सोने के बिस्किट, सेवर और सोने के बाल की बौछार करने लगेंगे। पर तुम्हारे पास ये तांत्रिक विद्या आई कहाँ से? ये बात कुछ साल पहले की है। मैं इसी गांव में रहती थी, पर बेहद करीब घर से होने के कारण गांव का मुखिया और लोग मुझसे बहुत भेदभाव करते थे। इसीलिए सबको सबक चखाने के लिए मैं तंत्र विद्या सीखने लगी, पर कुछ ही वक्त में उन्हें इसका पता लग गया और उन्होंने मुझे मारकर इस स्थान पर गड्ढा खोदकर दफना दिया था। और फिर कुछ वर्ष में यहाँ ये पेड़ उग गया और मैं उसमें कैद हो गई। तीनों भाई जादुई औरत को शुक्रिया अदा करके गांव चल पड़ते हैं। गांव के सभी लोग उन तीनों की लंबी घनी मूछें देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। जैसे ही तीनों अपने घर पहुंचते हैं तो सुधीर कहता है, पिताजी अब तो खुश हैं? क्यों पिताजी, अब तो हम मूछों में लग रहे हैं ना पुरुष। तुम इन मूछों में पुरुष ही नहीं बल्कि महापुरुष लग रहे हो। पर यह जादू किस जिन का है? ये जादू जिन का नहीं, एक जनानी का है। एक जादुई औरत ने हमें ये मूछ दी है। हम आपको अपनी मूछों से करिश्मा भी दिखाते हैं। ए मेरे जादुई मूछ, जल्दी से सोने में बदल कर सोने के बिस्किट बरसा। ए मेरी सुनहरी मूछ, मुझे ढेर सारे सोने के जेवर दे और मुझे सोने के बाल दे। अगले ही पल तीनों भाइयों के मूछ जादुई सोने की लंबी मूछ में बदलकर मूछों के दोनों हिस्से सिक्के, जेवर और सोने के बाल बरसाने लगते हैं। ये देखकर सत्येंद्र खुश होकर बोलता है, अरे ये मूछे है कि सोने के पेड़ की खजाने की जड़? इतना सारा सोना, वाह, अब तो मैं गांव का मुखिया से भी ज्यादा अमीर होकर अपने जादुई मूछों वाले बेटे की वजह से अपनी मूछों पर ताव दूंगा। तीनों भाई सिर्फ अपनी पारिवारिक जरूरत को पूरा करने के लिए ही अपनी सुनहरी मूछों का इस्तेमाल करते थे। वक्त बीत रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक रोज सारे गांव वालों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और सभी कहने लगे, हाय रे, न जाने कौन चोर लुटेरा रात के अंधेरे में हम सभी के घर में घुसकर लूटपाट कर गया। अब तो हम सभी एकदम गरीब हो गए हैं। अब तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब तो मुखिया जी ही हमारे अन्नदाता हैं। सभी गांव वाले एक साथ मुखिया के बड़े घर में पहुंच जाते हैं, जहां सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, और मुखिया माथे पर हाथ रख के बोलता है, न जाने कौन चोर मुझे रातों रात अमीर से फकीर बना गया। सब लूट गया मेरा, सब कुछ लूट ले गए। यहाँ भी चोरी? मुखिया जी, हम बहुत आस लगाकर आपके पास आए थे। ये क्या हमारी मदद करेंगे, ये तो खुद लखपति से रोडपति बन चुके हैं। अब तो जैसे गांव पर अकाल ही पड़ गया है। ये चोर लफंगे लंबी चौड़ी साजिश करके आए थे और सभी के घरों से हाथ साफ कर गए। गांव में हुई चोरी की खबर जैसे ही तीनों जादुई मूछ वाले भाइयों के पास पहुंचती है, वो उनके पास आकर कहते हैं, आप सभी चिंता मत कीजिए, हम तीनों भाइयों के रहते इस गांव पर कभी अकाली या भुखमरी नहीं होगी। अरे तू इतने यकीन से कैसे बक रहा है, कहीं चोर तुम तीनों भाई ही तो नहीं हो? मुखिया जी, अपने शक के दिमागी घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। ये कहते हुए तीनों भाई अपने मूछों को जैसे ही हिलाते हैं, तीनों की काली मूछें जादुई सोने के चमचमाती लंबी मूछों में बदल जाती हैं और मूछों के दोनों छोर से सोने के बिस्किट, जेवर और सोने के बाल की बरसात होने लगती है, जिसे देखकर गीता कहती है, हाय मोरी अम्मा, ये मूछ है कि घोड़े की पूंछ? अचानक इतनी लंबी चौड़ी कैसे हो गई? अरे इनके पास तो एक सुनार से भी ज्यादा सोना है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सोने की खानी बन जाएगी। तीनों भाइयों के जादुई सोने के मूछों से हो रही सोने के सिक्के, बाल और जेवर की बरसात से भरमार लग जाती है, जिसके बाद उनकी मूछें फिर से साधारण हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं, ये सारे सोने के बाल, बिस्किट, जेवर सब आप सभी जरूरतमंद के लिए हैं। आपको भूखा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुखिया जी, समय के चक्र को घूमते देर नहीं लगती। एक समय पर आप काफी धनी थे, पर आज फर्क सिर्फ ये है कि हम भाई धन संपत्ति के साथ दिल से भी अमीर है। आपकी तरह पैसों से अमीर और दिल से गरीब नहीं।
उनकी ये बात गांव के मुखिया के मुंह पर तमाचे की तरह लगती है और उनका सिर उनके आगे नीचा हो जाता है।